यूरोपीय सिनेमा की तारीख में इंगमार बर्गमन एक ऐसा नाम है जो लाइट से अपने किरदारों के जज्बात और कैफियत की अक्कासी करने के लिए मशहूर है। कुछ इसी किस्म का काम टेलीविजन के लिए हमारे मुल्क में भी हुआ, मगर हम उसे किसी थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में नहीं डाल सके। ये काम था शहजाद खलील का, जिनकी जिंदगी उनके काम की तरह हसीन है। आइए उस पर एक नजर डालते हैं। बेहतरीन ड्रामे तैयार करने के लिए शहजाद साहब की रेसिपी, उनका मेथड क्या था? उनकी हिस्से जमाल जो थी वो गालिबन हम सब में सबसे ज्यादा बड़ी हुई थी। पूरा होमवर्क करता था और रात को अगर मैं आँख खुली में तो खलील गायब है, देखा क्या कि वो उसको कुछ दिमाग में शॉट आ गया, उसने उसी वक्त लिख लिया कि मैंने ये हाँ लिया। उनके यहाँ दो बातें बहुत आम थी, एक तो उनके जो फ्रेम की खूबसूरती है, he was an aesthete par excellence जिसे कहते हैं ना। मैं हमेशा लोगों से कहती थी कि वो एक पत्थर को भी कन्विंस कर सकते हैं कि तुम एक्ट कर सकती हो। उनके फ्रेम में एक हुस्न, हर चीज में उन्हें हुस्न की तलाश, एक तो ये बहुत बड़ी खूबी थी उनकी। उनके काम में वो नफासत, वो काम में जो खूबसूरती और जो काम में एक फिनिशिंग आपको नजर आती होगी ना, वो शायद उनके अंदर का जो रिफ्लेक्शन वो नजर आता था आपको। इसका इतना पक्का होमवर्क होता था, वो दो रिहर्सल करता था या तीन रिहर्सल करता था और एक टेक लेता था। लिहाजा उनकी जितनी प्रोडक्शन आप उठा के देखिए, आपको फ्रेम इम्बैलेंस नजर कहीं नहीं आएगा। फैमिली ऑफ अफगानिस्तान और बहुत डाउन टू अर्थ आदमी था। He'd made it very personal. He'd made it about himself, you know. बेइंतहा रिलैक्स्ड आदमी थे और उनके साथ जब आप काम करते थे तो आपको कोई बोझ महसूस नहीं होता था। कभी मैंने उसको शाउट करते नहीं सुना, मेरी तो शादी रही है 15 साल। उनका काम करने का जो स्टाइल था उससे मैं बहुत फैसिनेटेड थी। आई मीन आई जस्ट यूज्ड टू फील कि यार हम यहाँ हैं सुबह से लेके शाम तक। ही वाज ऑलवेज देयर बिफोर अस। ऐसा लगता था कि उन्होंने पहले से बातें इस तरह तय की हुई हैं कि बातों बातों में आपसे वो ऐसी परफॉर्मेंस निकलवा लेते हैं जिसके लिए आपको पहले से बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करनी पड़ती। प्रॉब्लम्स भी होती थी, इश्यूज भी होते थे, हम लोगों को लाइनें भी नहीं आती, एंड हाउ ही यूज्ड टू जस्ट हैंडल इट। तो ये एक डायरेक्टर की बहुत बड़ी मैं समझता हूँ काबिलियत है कि वो अदाकार के साथ इस तरह काम कर ले कि उसको पता भी ना चले और काम हो जाए। राशिद मिन्हास की जिंदगी पर बनने वाले प्ले में उन्होंने हमारे मुल्क को मरीना खान की शक्ल में बेहतरीन टैलेंट भी तलाश करके दिया। कैसी है? ठीक है। शाहिद से मिले? नहीं, वो सो रहा है। He basically convinced me to act. राशिद मिन्हास का प्ले कर रहे थे, देयर वाज अ सीरीज दैट ही वाज डूइंग ऑन आई थिंक निशाने हैदर। एक साल पूरा रिसर्च किया था राशिद मिन्हास पे, जो राशिद मिन्हास वाज एन ऑर्डिनरी पर्सन, ही वाज नॉट अ जीनियस पायलट। उसको तो दे दिया गया था राशिद मिन्हास को निशाने हैदर। सिर्फ आई वुड से कि यू जस्ट हैव टू टेल मी व्हाट टू डू, एंड ही वुड से कि नो यू डू व्हाट यू वांट टू डू एंड आई विल टेल यू इफ यू डूइंग इट रॉन्ग और राइट। जिस तरह मैंने सवेरा की बात करी थी उसमें हीरोज ने इतना बदसूरत लिया था लेकिन ओरिजिनल बॉक्सर लिया था जो कि बकरानी था। उन्होंने जहाँ पे डिफेंस के लोगों पर प्लेस बनाए, बर्गर जिसे कहना चाहिए, बहुत कमाल बनाए बनाए, लेकिन उन्होंने एक लियारी पर एक सिंगल प्ले बनाया था, उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, यंग नया लड़का था उसमें। इट वॉज द डायरेक्टर बिहाइंड ऑल द प्लेज दैट शहजाद खलील डिड दैट मेड दोज प्लेज ग्रेट। उनके काम, उनके आर्ट और उसकी अपील ने सरहदों को पार किया और अपना नाम बनाया। एक वो था फेस्टिवल, उसमें इसने एक बैले भेजा खलील ने करके, सुर और ताल की लड़ाई, उस पर कोई उनको अवार्ड मिला था इन अमेरिका। इसका नाम था रोहे मालकॉम्स। उसमें से एक नेगेटिव तार निकलता है
एक सितार में, जो उसको पता था मुझे नहीं पता, वो विलन होता है। जो प्रोपोर्शंस बनाए थे ना सितार के और लड़की के डांस के और तबले के और सबके, उसमें जो लाइटिंग थी वो सिर्फ एक लकीर लाइटिंग थी, सिर्फ लकीर। Who went to receive the award? Some official? इंडिया, बांग्लादेश, जितने ये लोग हैं इनसे, मतलब वहाँ से पहले गए हुए थे और उसको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। You didn't send the person because वहाँ तो filmmakers जाते हैं ना, it's you know it's all about filmmakers। और हमारे टेलीविजन ने इसको लेने भेजा, जलसी इतनी होती, खुद चले गए लेने। असम साहब जी चाहता है मेरी तुम्हारा दिल रखने के लिए झूठ बोलती, लेकिन झूठ बहरहाल झूठ है। मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं आर्किटेक्चर की तरफ लौट जाऊंगा। उनके ड्रामों में बैकग्राउंड मौसीकी का इस्तेमाल काफ़ी नपातुला होता था, जो उनके डायरेक्टोरियल स्टाइल का हिस्सा थी। शहजाद साहब जो थे वो खालिस्तन फ्रेम की खूबसूरती और हुस्न पर, उसके साथ वो कोई बैकिंग वैकिंग नहीं चाहते थे। वो म्यूजिक इस्तेमाल करता था लेकिन बहुत स्लो, वो एक्सप्रेशंस पे और इस पे ज़्यादा जोर देता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि वो सबिया खानम एहसास में हमारे साथ थी और वो एक सीन ये है कि वो अस्पताल में थी और मैं वहाँ पर जाता हूँ उनसे मिलने के लिए, तो चिन का क्या लेवल होना चाहिए उनकी चिन के हवाले से और बिस्तर को कितना उठाया जाए कि वो फ्रेम बने, ये सब चीज़ें जो है ना वो उनकी बहुत मेटिकुलस थी। म्यूजिक करता था लेकिन उससे हम भी कभी खूबसूरत थे, उसमें उसने अलाप, उसने पूरा गाना करवाया लेकिन उसने अलाप ज़्यादा यूज़ किए, ज़्यादा हॉन्टिंग लगते थे। बहुत बहुत उनके जहन में एक हुस्न का जो एक तसव्वुर था, उसने हुस्न से बहुत प्यार था, बहुत कम लोगों को मैंने देखा जो हुस्न से ऐसा प्यार कर सके। फिर उसने पन्हा का जो किया तो वो भी इसमें भी उसने एक जिस तरह का किया, फिर राशिद मिन्हास का किया तो राशिद मिन्हास में उसने पुराने बीटल्स के और क्लिफ रिचर्ड के पुराने उस जमाने की कहानी थी तो वो निकाला उसने म्यूजिक, तो वो बहुत रिसर्च बहुत करता था। सर खवातीन का हुस्न, बाकी के हुस्न भी, मसलन ड्रामे का हुस्न। शहजाद खलील अपना एक मुनफरद अंदाज रखते थे और यही अंदाज उनके काम में भी झलकता था। जब वो कभी तन्हाइयों जैसे प्ले बनाता था, कहता बड़ा ड्राइंग रूम का और बना रहा है, कभी इसने एक प्ले बनाया था उसने सवेरा के नाम से, तो उसमें उसको 9 अवार्ड्स मिले थे, नॉमिनेशंस, फिर अवार्ड्स हुए नहीं थे लेकिन 9 नॉमिनेशंस को मिली थी। उस जमाने में ये एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, मुतारिफ कराया गया था कि एक प्रोड्यूसर जो है वो एक प्रोड्यूसर रहते हुए भी उस वो वही मकाम रख सकता है जो एक जीएम का या जनरल मैनेजर का या एडमिनिस्ट्रेटिव। व्हेन ही गॉट आई थिंक द बेस्ट डायरेक्टर्स अवार्ड फॉर तन्हाइयां, ही वाजंट वेरी एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज ही फेल्ट दैट दैट वाज नॉट हिज बेस्ट वर्क, दैट ही डन मच बेटर वर्क। बिफोर दैट क्वेटा से था, उसमें बजट बहुत ज़्यादा था क्योंकि उसमें उन्होंने सैलाब दिखाया था और बहुत ज़्यादा पानी मतलब पैसा खर्च किया था। शुएब ने बहुत टाइम लिया था, कोई 3-4 महीने लिए थे, खलील ने एक हफ्ते में बनाया। शहजाद साहब पहले शख्स थे जिन्होंने ये कहा कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब नहीं चाहिए, मैं प्रोड्यूसर ही रहूँगा और मैं चाहता हूँ कि मैं अमली तौर पर काम में रहूँ। टेलीविजन ने उसकी कभी कदर नहीं की। Yes, I think in a way she is absolutely right. I think हम लोग
एज अ कंट्री और एज अ नेशन हम जीनियस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ये उनकी बदनसीबी है कि कैसे मुल्क में पैदा हुए जहाँ आर्ट की वो कदर नहीं रही। शहजाद साहब का जो काम था वो हमेशा एक्सीड करता था। जिस दिन जब उसको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला बहुत, तो ही वाज शॉक्ड, कह रहे हैं नहीं झूठ बोल रहे हैं मुझे नहीं मिलेगा। प्रेसिडेंट हाउस से फोन आया कि आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल रहा है, तो कहते हैं किसी ने मजाक किया। तन्हाइयां, पोएट्री लिखता, पेंटिंग करता था, पोएट्री लिखता था। एज अ ग्रुप वी बिकेम वेरी क्लोज। तन्हाइयां की अगर मैं बात कर रही हूँ, सो देयर वर लॉट ऑफ पार्टीज वी वुड गो टू, अ लॉट ऑफ फंक्शंस वी वुड गो टू। ही वाज अ वेरी सोशल पर्सन, very social, he wanted to learn everything. Na we were a room full of comedians, you know, and Shahzad sahab had a very very unka sense of humor bada subtle tha. To usne kaha ki tumhe pata hai ki azan ek pata nahi raag mein hai, aur maine kaha acha mujhe nahi pata tha, to usne phir usme sunayi, itni khoobsurat azan sunayi. Dant mujhe do dafa unse badi zabardast padi thi, jo which was another side of Shahzad Khalil. Kabhi main Quran shi pad rahi hoti thi, mujhe galtiyan nikalta tha, maine khali tumhe kaise pata, तुम्हें बच्चे बताया कि मैंने आधा कुरान हिफ्ज़ किया है, और देखने में वो अंग्रेज था, टोटल अंग्रेज। जब मेरी शादी हो रही थी तो आई रिमेम्बर मेरे पेरेंट्स वर वेरी अगेंस्ट इट, नॉलेज यू नो, ही वाज अ वॉइस ऑफ रीजन फॉर मी। भाई एक तो कि उनकी हिस्से मजा बहुत अच्छी थी, और मुझसे ज़्यादा उनकी दोस्ती साहिरा से थी, मेरी बीवी से, और दोनों बैठ के वो ऐसे ऐसे लतीफ़े घड़ते थे और ऐसा ऐसा मजाक वो टेलीविजन का ही उड़ाते थे जो मैंने बहुत कम सुना। इट वॉजेंट आउट देयर, यू नो, जुमलेबाजी वगैरह नहीं थे, बट यू नो वो कम बैक लाइंस बड़ी उनकी विटी थी। ये तो क्या है? वो तीन कैमरों से बैक वक्त रिकॉर्डिंग करते थे। उनकी लाइट में एक ऐसा बैलेंस दिखाई देता है जो देखने वालों पर एक खास असर छोड़ जाती है। सही फैसला। मैं तुम्हें खुशी तो नहीं दे सकता बेटे, लेकिन खुशी की दुआ तो दे सकता हूँ। अगर आप उनके रोमांटिक सीन्स देखें और आप बाकी उनके कंटेम्प्रेरीज जो थे, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वुमेन बट लेट्स से द गाइस, देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस। उनके साथ मेरी दुश्मनी भी थी, क्योंकि राइटर की कभी प्रोड्यूसर के साथ नहीं बन सकती जिंदगी भर। स्टूडियो एम्प्टी करवाया, बिल्कुल खाली करवाया, जस्ट हिम, फैसल नदीम हमारे जो कैमरामैन थे, सारी लाइटें बंद करवा दी। एक नॉट इवन द स्टूडियो लाइट, बट ही हैड वन ऑफ द, क्योंकि राइटर को ये ख्याल रहता है कि जो मैंने लिखा था वो इसमें उन्होंने ये छोड़ दिया और ये नहीं किया, और ये मैंने यूं लिखा था और यूं तू लिखा था, तो मैं उनसे इस तरह से बहुत लड़ाई भी होती थी। ही केम डाउन एंड ही सेड के ही स्टार्टेड टेलिंग मी स्टोरीज अबाउट हाउ डिफरेंट पीपल ने क्राइंग सीन उनके साथ कैसे, किसी ने कहा कि मुझे थप्पड़ मारे, किसी ने कुछ कहा। उसमें जो अच्छी बात जो ये थी कि वो हमेशा जब वो प्रोडक्शन सामने आती थी तो मुझे बहुत कम उनसे शिकायत का मौका मिलता था। वाकई वो लगता था कि बड़ी खूबसूरत है और बड़े सोच समझ के काम किया, लेकिन जब वो हो रही होती थी तो मेरा जी चाहता था कि मैं उन्हें कत्ल कर दूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा स्क्रिप्ट जो है उसका कत्लेआम किया जा रहा है। एंड ही सेड ओके, अब मैं ऊपर जाऊँगा और कैमरा में रोल कर लूँगा, ठीक है, एंड यू हैव टू थिंक ऑफ द सैडेस्ट थिंग दैट इज़ एवर हैपेंड। जब तुमको हल्की सी एक फीलिंग आ रही हो, मुझे बस कह दो, अपना हाथ ऊपर कर, यू डोंट इवन हैव टू स्पीक, जस्ट पुट योर हैंड अप एंड यू नो एंड स्टार्ट योर लाइन्स, और शनाज विल एंटर इन ऑल दैट, एंड वी डिड इट इन वन टेक। जब वो सामने आता था तो उसमें एक बात वो ऐसी करते थे जो आपको लगता था कि नहीं, वो उन्होंने खाला नहीं रहने दिया, इसको पूरा किया। मार्शल लॉ के दिनों में उन्होंने राहत काजमी के साथ तीसरा किनारा बनाया, जिसमें उन्होंने इंसान की इंफरादियत को माशर्ती कुल पर बढ़तर दिखाया। उस वक्त के हालात में गालिबन पीटीवी पर यह पहली ऐसी फनी काविश थी जिसे नॉन कन्फॉर्मिस्ट कहा जा सकता है। मेरा ख्याल है आप मेरे लिए काम करना पसंद नहीं करेंगे। आपका ख्याल गलत है। मैंने आज तक जो इमारतें बनवाई हैं वो देखी आपने? जी हाँ।
लेकिन अब जो इमारत में बनाना चाहता हूँ वो मुख्तलिफ है, वो लोगों के लिए नहीं, मेरे अपने लिए। स्क्रिप्टिंग में कोई तकरीबन 1.5-2 साल लगा, फिर उसकी शूटिंग जो है वो ज़माने में पहली बार वो था कि 13 एपिसोड इकट्ठे रिकॉर्ड हो के फिर वो चले। He was just there all the time, detailed, हर चीज़ में। उसमें तकरीबन साल भर इसलिए लगा कि उस ज़माने में इस तरह रिकॉर्डिंग्स नहीं होती थी जैसे अब होती हैं। स्टूडियो मिलता था, टीवी का टाइम मिलता था तो वो रिकॉर्डिंग्स होती थी। अब तो काफ़ी अरसे से मैंने उसे देखा ही नहीं। अभी कोई 1 घंटे के बाद वो यहाँ आ जाएगा, मैंने आज खाने पे बुलाया, बल्कि वो लोग आ गए। वेलकम। वो कभी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ क्यों नहीं गए? क्या वो कभी फिल्म बनाते? पाकिस्तानी सिनेमा जो है वो अभी तक, पहले भी वो उसी कमर्शियल दौर से गुजर रहा था, अभी उसी मसले में से 2-4 है। In my own opinion, I think he was just very satisfied doing television. I think deep down inside, maybe there was a desire to go for films. उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में जो बेशतर काम हो रहा था और अभी जो हो रहा है वो बुनियादी तौर पर उस लेवल का काम नहीं हो रहा जिसे हम कहें कि बहुत तो नहीं, लेकिन किसी हद तक वो आर्ट की तरफ लीन करता है। ईटीवी में जब आप काम कर रहे होते थे तो आपको हर साल यू हैड टू गिव आइदर अ सीरियल और यू नो समथिंग ऑन द अदर। वो गालिबन उस लोगों को इसकी चाहत नहीं होती थी, लोग समझते थे कि ये ऐसा काम करना चाहिए जिंदा जावेद हो, अच्छा हो, अमर हो, खूबसूरत हो, हसीन हो, आर्टिस्टिकली बहुत खूबसूरत हो, कमर्शियली जो है बहुत सक्सेसफुल हो या ना, क्योंकि उसकी किसी को परवाह नहीं होती थी। शहजाद साहब वाज वर्किंग आई थिंक प्रैक्टिकली द होल ईयर राउंड इफ आई कैन रिमेंबर। इफ इट वाजंट डायरेक्टिंग देन इट वाज प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, यू नो, इफ इट वाजंट डूइंग समथिंग इट वाज प्रिपेयर। शहजाद खलील दिल के दौरे के बायस 1989 में हमें छोड़कर चले गए। आज अगर वो हम में होते तो हम उनसे क्या कहते, क्या सुनते? वाओ, that is something to think about. Well, I think the one thing that I would love to tell him is that he inspired me to be a director. And jo my first play that I ever directed, main ek jagah itni phans gayi thi ki mujhe samajh nahi aa raha tha ki ye main kya karun. And I just looked up and I said, what would you do in a situation like this? And you know, it's like, koi answer to aana nahi hai. But I was so desperate. Last script, jo reh gaya hone se, do kaam hum karna chahte the. Ek to Udaas Naslein, Abdullah sahab ka novel jo hai, us par kaam karna chahte the. Aur ek Cain and Abel. I wish he had stayed on longer. I wish he had listened to the doctors. I wish he was alive now to see me where I am. बात उसका मुझे दुख है इसलिए कि वो बड़ी मोहब्बत से हम दोनों ने शुरू किया और कोई 5-6 स्क्रिप्ट उसके लिख लिए थे। रिस्पेक्ट थी तो हम यही पूछा कर हंसती थी, मैं कहती थी मोहब्बत क्या होती है, आप हंसी बताओ, मुझे तो पता ही नहीं। खलील ना मेरा दिल धड़कता तो मैं देख के ना कुछ होता है। आपने उसका गाना सुना है मैकलेन, व्हाट्स हिज नेम, स्टीव मैकलेन, द गाय हु सैंग अमेरिकन पाई? नहीं, उसने एक गाना गाया डेडिकेटेड टू विंसेंट वैन गो, और उसके जो वर्ड्स हैं ना, आई फील दैट दे जस्ट फिट शहजाद साहब्स लाइफ।
खुजले और उसी में जो खलील आया ना, तो मैंने यूँ घूंघट उठाया, मैं यार सिगरेट पिला, सुबह से मैं तो एक्टिंग करके थक गई हूँ। तो वो कह रहा यू सपोज टू बी अ दुल्हन, मैं कहा टू हेल विद दुल्हन। तो हम लोग इस तरह के थे, वी डिडंट अप्रिशिएट हिम अनफ व्हेन ही वाज अलाइव। आई थिंक पीपल लाइक हिम, उनसे आप सीख सकते हैं बहुत कुछ। और वो एक ऐसे इंसान है जो आपको ही विल नेवर शाय अवे फ्रॉम टीचिंग यू। उनको कराची के गिजरी कब्रिस्तान में दफनाया गया। शहजाद खलील को हम अपने मुल्क का इंगमार बर्गमन होने का दर्जा दें या ना दें, मगर उनके काम का बैरून मुल्क दिखाया जाना और फिल्म के तलबा को पढ़ाया जाना इस बात का सबूत है कि वो पाकिस्तान टेलीविजन की तारीख का एक दरख्शा सितारा थे और रहेंगे।